गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू गार्डनिंग माय पैशन। और मैं नेहा आप सभी का इन बेगुनिया के फ्लावर्स के साथ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेल, आज मैं आपसे बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पॉटेड बेगोनिया प्लांट्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं और क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बेगोनिया प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट प्लांट है, बहुत ज़्यादा अटेंशन डिमांड करता है। और बहुत ज़्यादा से मतलब बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बट येस, एक मिनिमल अटेंशन की ज़रूरत है इसे। एंड इस वीडियो में आज मैं वो सारे टिप्स जो है वो कवर करने वाली हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी मिस मत देख कीजिएगा, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, साथ ही साथ चैनल में पहली बार आ रहे हों तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपकी लाइक जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का काम करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। वेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ये बेगोनिया का प्लांट जो है वो अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, बट कुछ कुछ लीव्स हैं इसकी जो कि सूखती जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसकी रिपॉटिंग का टाइम आ चुका है। वेल, इसे जब मैंने परचेस किया था तो ये काफ़ी छोटा था, एंड नाउ इट हैज़ ऑलरेडी ग्रोन अप टू दैट एक्सटेंट। इट्स में अभी भी देखिए ब्लूमिंग चल ही रही है, और इसके फूल जो हैं कितने प्यारे लगते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ तो सी, इसके जो ब्लूमिंग है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब ये डॉर्मेंसी में जाता है। एक तरह से ये पेरिनियल प्लांट है। वेल, इसकी डिटेल्ड जो प्रॉपर्टीज़ है वो लेकर के मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी, बट फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने बेगोनिया प्लांट को रिपॉट करें या ना करें, बट इसको आपको कैसे फर्टिलाइज करना है, इसे आपको कैसे बचा करके रखना है, एंड साथ साथ इसकी क्या स्पेशल केयर लेनी है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट है, एंड ये पेरिनियल प्लांट भी है। इसकी जो ब्लूमिंग है ये आपको मोर लेस थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगी, एंड मेरे इस प्लांट में भी ब्लूमिंग जो है वो चल ही रही है। इनफैक्ट बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम होकर के गिर भी चुके हैं, एंड नए नए फ्लावर्स जो हैं इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो चलिए, इसकी फर्टिलाइज़र की बात करने के साथ साथ मैं इसे आज रिपॉट भी करने वाली हूँ, तो मैं दोनों ही प्रोसेस आपसे शेयर करती हूँ। रिपॉटिंग करने के लिए एज़ यूजुअल हमें पहले इसकी जो मिट्टी है इसको इस पॉट से निकाल लेना होगा, यानी इस पूरे प्लांट को हमें इस पॉट से निकाल लेना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप रिपॉट करें तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो नया पॉट हो वो पुराने पॉट से बड़ा हो, एटलीस्ट 2-3 इंच में ये बड़ा हो। मैं इसे थोड़े बड़े पॉट में ही शिफ्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू बी डन विद इन दिस ईयर। मैं अब इसे इसके साथ जो भी छेड़छाड़ करूँगी वो मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी, तो मैं इससे डबल टू ट्रिपल बड़े पॉट में मैं इसे आज शिफ्ट करूँगी। तो पहले इसे हम निकाल लेते हैं, और निकालने के लिए आपको इस तरह से टैप कर लेना है। टैप कर लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी जो जो पूरा रूट बॉल है, इसकी जो पूरी मिट्टी है वो ये पूरी ऊपर आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। सो हेयर इट कम्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका ऑलरेडी रूट बाउंड हो चुका है, और इसकी रिपॉटिंग का इसका टाइम भी हो चुका है। सो स्प्रिंग इज़ द बेस्ट टाइम जब आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को आप रिपॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके रूट्स में जितनी सारी मिट्टी लगी हुई है इसको आपको एकदम केयरफुली निकाल लेना है। ध्यान रहे कि टैप रूट इसके डिस्टर्ब ना होने पाए, एंड अच्छे से आप इसकी जड़ों को फैला लीजिए। वेल, नर्सरी से लाए हुए प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो नर्सरी वाले देखिए इसे एकदम इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनफैक्ट हम भी अपने बहुत सारे प्लांट्स में जो फैलने वाले प्लांट्स हैं, खास करके बेल एंड ऑल, या जो वर्टिकली बढ़ने वाले प्लांट्स हैं, उनमें भी हम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। बट चूँकि मुझे इसे वर्टिकली नहीं, मुझे इसको हॉराइजेंटली बहुत ही अच्छे से मुझे इसे एक श्रब बनाना है, तो इसलिए मैं इन सब स्टिक को निकाल दूँगी। और आपको भी जब रिपॉटिंग करना है तो ये चीज़ ध्यान है कि किस तरह से आपको एकदम इन जड़ों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ये एकदम भी टूटनी नहीं चाहिए। ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ एक जड़ें रिपॉटिंग के टाइम में टूट ही जाती हैं, बट जो मेन जड़ है वो नहीं टूटनी चाहिए। और बाकी की जो जड़ हैं उनको आप चाहें तो उनको शॉर्ट कर सकते हैं उनकी और एक्सटेंसिव ग्रोथ के लिए। एंड यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये जो प्लांट है ये ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा ये एकदम रूट से भर गया है कि इसकी जो मिट्टी है ये रूट्स में जाकर के चिपक सी गई है। तो बस मैं इसे अब इतना ही रहने दूंगी, दिस इज़ मोर देन इनफ, और इसको अब हम रिपॉटिंग करेंगे। तो
रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ और ख्याल रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं इसके फर्टिलाइजर्स के बारे में शेयर करूँगी. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन बेगोनियाज कैन बी फर्टिलाइज स्प्रिंग सीजन. नॉट इवन बेगोनिया, आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लीजिए. स्प्रिंग सीजन एक ऐसा टाइम है कि आप अपने किसी भी प्लांट्स को आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, उसे रिपोर्ट कर सकते हैं. और एक बार चाहे तो साल में बस एक बार आप इसकी रिपोर्टिंग अगर करना चाहें तो स्प्रिंग के टाइम पे आप इसे रिपोर्टिंग अच्छे से कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो भी इसकी मिट्टी निकाली है नर्सरी से, जो भी मिट्टी आती है हम क्या करते हैं कि उसे हम फेंक देते हैं. मोस्ट ऑफ दी लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती. तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी, मेरे उन व्यूवर्स को, कि वो मिट्टी आप बिल्कुल भी ना फेंकें, बल्कि उस मिट्टी को, आपने जो मिट्टी तैयार की है उसमें आप इस मिट्टी को ज़रूर से मिला लें, सो दैट दोनों का मिक्सचर अच्छे से बन जाए. इसके पहले आप खाली ये देख लें कि ये जो लम्स हैं इसमें, ये लम्स ना रहने पाए. तो पहले मैं इन लम्स को क्लियर कर लेती हूँ सो दैट एक स्मूद सॉइल का पेस्ट मुझे मिल जाए. ओह, मेरा मतलब पेस्ट नहीं, मिक्सचर से था. सो आपको ये लम्स निकाल लेने के बाद अपने बनाए हुई जो आपका सॉइल मिक्सचर है उसमें इन सारी मिट्टी को आपको मिक्स कर देना है, इसे फेंकना नहीं है. इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सॉइल मिक्सचर जो है इसमें हमें क्या क्या डालना है. वेल, बेगोनिया एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया. तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो फर्टिलाइज़र होगा वो बहुत ही बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र होगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र को ही बहुत पसंद करता है. तो आप इसमें चाहें तो कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं, काउडंग मैन्योर हो गया या वर्मी कम्पोस्ट, बट बेस्ट रहेगा इसमें आप लीफ कम्पोस्ट मिलाएं. बट इन केस अगर आपके पास ये तीनों ही अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सरसों खली, जी हाँ, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है वो भी मिला सकते हैं अपने जो आपका जो सॉइल मिक्सचर है. पर फर्टिलाइज़र मिलाने के पहले आपको सैंड एंड गार्डन सॉइल, इन दोनों का पहले आपको प्रोपोर्शन ले लेना है, इक्वल प्रोपोर्शन में आपको रखना है. बिकॉज़ बेगोनिया के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसकी सॉइल अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल ना रहे, अगर पानी का रिटेंशन हो गया, तो ये जो प्लांट है ये इमीडिएटली मर जाता है, क्योंकि इसके जो लीव्स होती हैं उसके अंदर में खुद इतना ज़्यादा पानी होता है, जस्ट लाइक एलोवेरा लीव्स, कि ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ से उस पानी को टान लेता है जब इसे सर्वाइव करना होता है. तो आप बोल सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू अ सक्यूलेंट फैमिली एज वेल. सो जस्ट लाइक अदर सक्यूलेंट्स, बेगोनिया एक बहुत ही प्यारा सा, देखा जाए तो पेरिनियल प्लांट है. और इसके लीव्स में पानी भरे होने के कारण हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें जब भी आप वाटरिंग करें तो वो वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी ठहरनी नहीं चाहिए, ज़रा सा भी वाटर का रिटेंशन नहीं होना चाहिए. अदरवाइज़ पूरे साल चलने वाला ये प्लांट जो है, इसे दो मिनट नहीं लगेगा इसे सूख करके मर जाने में, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी रॉटन हो जाती है अगर इसमें ज़्यादा पानी पड़े तो. सो नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट एंड टू टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग, इसमें आप सैंड की मात्रा जो है अच्छी मात्रा में आप इसमें सैंड मिलाए ताकि पानी बिल्कुल भी ना रुके. एंड इसके बाद आप इसमें सरसों खली का यूज़ कर सकते हैं. अगर आप दूसरे कंपोस्ट भी दे रहे हैं, लाइक कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर या फिर लीफ कंपोस्ट, तो भी आप उसमें सरसों खली ज़रूर डालें, क्योंकि सरसों खली में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. वेल, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाली हुई है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल में तो मिल ही जाएगी. बट इनकेस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको वो स्क्रीन पर फ्लैश होता भी नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी मेरे उस वीडियो में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं. सो नाउ ये मेरा सरसों खली वाला जो मिक्सचर है, यानी गार्डन सॉइल, सैंड एंड सरसों खली एंड थोड़ा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि मैंने ऑलरेडी मिलाया हुआ था अपने मिक्सचर में, तो वो तैयार है. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सरसों खली और वर्मी कंपोस्ट ये सब आप दे सकते हैं, बट बेगोनिया प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद होता है बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र. बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र से मेरा मतलब है NPK, यानी जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो पूरी एकदम बैलेंस्ड वे में रहे. तो इसके लिए आपको जो फर्टिलाइज़र इसमें बनाना है वो आपको मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर में जो बन रहे आपकी चाय है, यानी चाय पत्ती, सूखी हुई चाय पत्ती, इसका यूज़ आप कर सकते हैं. वेल, मैं इलायची वाली चाय पीना पसंद करती हूँ, तो इसमें मेरी इलायची भी आई हुई है. बट आई विल नॉट प्रेफर टू गिव इट, आई मीन टू यूज़ इट एज अ फर्टिलाइज़र. सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ये जो सूखी हुई जो चाय पत्ती के जो का जो
भूरा है, इसको आपको अपने प्लांट के मिक्सचर में, आपको अपने सॉइल के मिक्सचर में आपको इसे दे देना है, ताकि ये पूरा जो इसका जो सॉइल है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाए। क्योंकि रोटी, ये रोटी तो नहीं है, ये उबली हुई चाय की जो पत्ती है जिसे आप पानी से धो लेने के बाद अच्छे से सुखा लेना है। एंड सुखा लेने के बाद जब आप इसे देंगे तो इसके अंदर जितनी भी नाइट्रोजन NPK जो है वो आपके प्लांट को पूरी तरह से ये मिलेगी। तो वेल, मैंने जो मिट्टी तैयार की है उस हिसाब से तो मुझे थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेशियो आपको रखना है अप्रॉक्सीमेटली 30%। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट और सरसों खली डाली भी है तो भी आपको 30% इसको रखना है। एंड इलायची मत डालिएगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड एज़ फार एज़ आई नो। वेल, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं लेकर के आऊँगी कि वेदर यू कैन यूज़ दीज कार्डमम्स एज अ फर्टिलाइज़र और नॉट। बट आज के लिए ये चाय पत्ती जो है ये आपके बेगोनिया का मेन फर्टिलाइज़र है, सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो सॉयल है वो पूरा बन के तैयार है। नाउ वी विल पोर ऑल दीज थिंग्स इनटू आवर न्यू पॉट। तो यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इसे साल भर से अब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो इस पॉट में मैंने ऑलरेडी हाफ मिट्टी ली हुई है, नॉर्मल मिट्टी ली हुई है, उसका मैंने बेड बनाया हुआ है। तो इसमें मैं पहले इस मिक्सचर को थोड़ा सा और ऐड करूँगी। मिक्सचर को ऐड कर देने के बाद हमने जो रूट बॉल लिया था उस रूट बॉल को हमें अच्छे से इसमें बैठा देना है। बट थोड़ा सा ऊपर करके बैठाएंगे ताकि इसके जो लीव्स हैं थोड़ा बाहर की तरफ आएं। तो इसे मैं थोड़ा सा और पोर करने वाली हूँ, ताकि ये थोड़ी सी इसकी मिट्टी की जो सतह है वो थोड़ी ऊपर आ जाए। एंड लेट्स चेक इट नाउ, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डाल लेते हैं। And this is the perfect. Just a moment. तो प्लांट अच्छे से यहाँ पे बैठ गया है। अब इसकी जड़ों को हमें अच्छे से इसमें दबा देना है, ताकि इस मिक्सचर में मिलाया हुआ सारा जो न्यूट्रिएंट है वो उसे अच्छे से मिल पाए। इसको अच्छे से आप प्रेस कर दीजिएगा दबा देने के बाद, ताकि कोई भी एयर गैप्स ना रह जाए। सो दैट्स इट गाइस। वेल, रिपोर्टिंग कर देने के बाद इसके डेड शूट्स को आप ज़रूर से काट दीजिए, जितनी सारी आपको डेड शूट्स नज़र आ रही हैं, ताकि प्लांट की जो एनर्जी है वो बेकार इन सबको बचाने में वेस्ट ना हो जाए। इसको यहाँ से आपको हटा देना है। एंड लेट मी चेक, यहाँ पे बहुत सारी नई ग्रोथ हुई है। यहाँ पे कुछ एक जो है वो सूख रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है छोटे पॉट में था और उसको जगह नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल पा रही थी। वेल, सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए भी नहीं होता है। इसे सिर्फ दिन की 4 घंटे की सनलाइट जो अगर मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही काफ़ी है। एंड आप चाहें तो अगर आपके पास कोई बड़े प्लांट्स हों अगर, तो आप उसके अंडर भी इसे रख सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और रही पानी देने की बात, तो इसके लिए उसमें आप बिल्कुल भी पानी ना दें। इवन आफ्टर रिपोर्टिंग आपको इसके लीव्स पे पानी नहीं देना है, और इसको आपको जितना हो सके एकदम कम से कम सनलाइट देनी है, एज आई सेड मिनिमम ऑफ 4 आवर्स। एंड एक और ज़रूरी बात कि इसको आप पानी तभी दें जब आपको लगे कि इसकी ये जो टॉप सॉइल है ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है और इसकी रूट रॉटिंग भी बहुत जल्दी होती है, तो इसीलिए आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। Otherwise, this is a very nice plant to survive and to go with. और ये सालों साल perennial होने के कारण आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहता है। तो बाकी की इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं इसकी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें मैं इसके बाकी के केयर टिप्स बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। सो मिलूँगी अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए को लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी किए बिना जाइएगा नहीं, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोज़ जो है वो आपको एकदम इमीडिएटली मिल सके। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली रिलेटिव्स जिसके साथ भी हो, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ सकते हैं, और चाहें तो अपने सुझाव जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके मुझसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। तो चलिए लेती हूँ अलविदा अब मैं आपसे, और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट की इन्फॉर्मेशन लिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बी हैप्पी।